नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाठ योजना शिक्षण योजना कक्षा 6 विषय हिंदी समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे विभिन्न सामाजिक मुद्दों, भ्रमण, विभिन्न कार्यक्रमों आदि पर अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप में देते हैं। बच्चे अपने से भिन्न परिवेश की भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पर बात करते हैं और अपने को उससे जोड़ते हैं। प्रकरण ईदगाह भाग 2। सहायक सामग्री शामपट चौक, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे पाठ के प्रथम भाग से संबंधित सामान्य परिचर्चा करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चों रमजान के रोजे कितने दिन के होते हैं, हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद ने मेले से 3 पैसों का क्या लिया। यह बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न होगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम ईदगाह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण करते हुए बालक हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य को और दादी के प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम को दिखाया गया है। नमाज खत्म --- प्रसाद था। शिक्षक पूरे हाव भाव, आरोही अवरोही क्रम तथा लय के साथ पाठ का वाचन करेंगे तथा उसका सारांश बच्चों को बताएंगे। पाठ को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि नमाज के बाद, गले मिलने के बाद सभी लोग मेले में लगी दुकानों और खेल तमाशों की ओर चल पड़े। हामिद के साथियों ने सिपाही, गुजरिया, वकील, भिश्ती आदि के खिलौने खरीदे। सभी लड़कों ने मनपसंद मिठाइयाँ खाई, लेकिन हामिद अपने 3 पैसों में से 1 पैसा भी खर्च करने का साहस नहीं कर सका। आगे लोहे की दुकान पर हामिद रुका। उसने 3 पैसे में 1 चिमटा खरीद लिया। हामिद उसे कंधे पर रखकर चला। सभी लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। हामिद ने अपनी बातों से चिमटे को सारे खिलौनों से अच्छा सिद्ध कर दिया। सभी लड़कों पर चिमटे की धाक जम गई। इसके पश्चात शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएंगे तथा पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ शामपट से देखकर लिखने के लिए कहेंगे। शामपट कार्य, शब्द अर्थ, कवायद, युद्ध कला का अभ्यास या परेड, मशक, चमड़े का बना थैला जिसमें भिस्ती पानी रखता है, सबील, वह स्थान जहाँ पर लोगों को पानी, शरबत आदि पिलाया जाए या प्याऊ, कुमुक, सहायता या मदद, बावर्ची खाना, रसोई घर। शिक्षण के पश्चात पठित पाठ्य सामग्री की परख के लिए शिक्षक छात्रों से निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहेंगे। पहला, हामिद के अब्बाजान का नाम डैश था। दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक ठीक डैश बताया। हामिद के पास कुल डैश पैसे थे। प्रदत्त गृह कार्य, जिस प्रकार आत्मानंद बराबर आत्मा प्लस आनंद, शास्त्रार्थ बराबर शास्त्र प्लस अर्थ, प्रतिष्ठा अनुकूल प्रतिष्ठा प्लस अनुकूल, उसी प्रकार निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। इच्छा अनुकूल, धर्मानुकूल, यथा अवसर, देवाशीष। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद साथियों, और इसके अगले भाग के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।